back to my channel और आज है Sunday. Happy Friendship Day to all of you. First Sunday of August को Friendship Day होता है तो सभी लोगों को Happy Friendship Day because जितने भी मेरे followers हैं या subscribers हैं वो एक तरह से मेरे friend ही हैं और बहुत सारे Instagram पे जो मुझसे added हैं जो मुझे follow करते हैं वो तो सब already मुझे wish कर रहे हैं but I'm sure कि ये video काफी late जाएगा बहुत जल्दी नहीं जाएगा but still Happy Friendship Day to all of you जब भी पहुँचता है ताकि मेरी feeling आप तक पहुँच जाए और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मैं थैंकफुली हम लोग कल पहुँच गए अभी न्यूज़ चल रही है और हम लोग न्यूज़ में यही देख रहे हैं कि जहाँ पर हम कल गए थे त्र्यंबकेश्वर वहाँ मंदिर में कल तो कुछ नहीं था तो कल से बारिश होना स्टार्ट हुई है मतलब कल रात में कंटिन्यूस बहुत स्पीड में बारिश हुई है तो पूरा त्र्यंबकेश्वर नासिक में पानी भर गया है और भी बहुत जगह पानी भर गया है तो थैंकफुली हम लोग कल दर्शन करके आ गए एक्चुअली कल हम लोगों ने सुबह न्यूज़ नहीं देखी और हमारा काफ़ी पहले से प्लान था एक डेढ़ वीक से हमारा प्लान था कि इस सैटरडे संडे हमको जाना ही है बिकॉज लास्ट ईयर भी हम नहीं जा पाए थे कल हमारे दर्शन तो अच्छे से हो गए और कल हम जिस आपको वीडियो में दिखाऊंगी मैं जो हम पॉन्ड पे पीछे घूम भी रहे थे ना वहाँ पर भी नीचे बहुत पानी ओवरफ्लो हो गया था तो मुझे लगा था कि अगर यहाँ ज़्यादा बारिश हो गई तो ये जो पानी है लोगों के घर में घुस जाएगा बिकॉज हम जब चल रहे थे तब हमारे पैर तो अंदर थे पानी के काफ़ी ज़्यादा तो पूरे मंदिर में पानी भर गया है और साथ ही साथ क्योंकि जब मैं आ रही थी ना तब मैंने व्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं खुद लिटरली इतना तेज़ बारिश हो रहा था कि यहाँ से जहाँ तक विक्की बैठा हुआ है ना इतने डिस्टेंस की विजिबिलिटी ज़ीरो थी मतलब लिटरली ज़ीरो थी हम लोग सारी हेडलाइट्स और पार्किंग लाइट्स सब कुछ चला करके चल रहे थे और बहुत स्लो स्लो लेफ्ट साइड से चल रहे थे तब तो सब हम तीनों बस ये प्रे कर रहे थे भैया थैंकफुली हम लोग घर पर पहुँच जाएँ बहुत सारे मेरे इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे अब फ्रेंड्स बन चुके हैं सब्सक्राइबर्स हैं सब दे आर सो स्वीट एवरीवन वाज लाइक आस्किंग मी सब न्यूज़ पे सबने देखा होगा थाने में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हाई अलर्ट आ गया तो सबने मुझे बोला कि आप सेफ रहना घर पे रहना तो कुछ को तो मैंने बताया है भाई मैं थाने में नहीं हूँ मुझे भी डर लग रहा है थाने पहुँचने में कि बस सब कुछ ठीक हो बट हम लोग थैंकफुली घर पे पहुँच गए घर पे पहुँच गए फिर मेरा जो फ्रेंड है तब बारिश थोड़ी सी बंद थी उसका एक्चुअली मंडे को ऑफिस है वो भी फटाक से निकला उस टाइप लोकल भी खुल गई थी तो थैंकफुली वो भी पहुँच गया अपने घर पर बिकॉज अगर वो आज रुक जाता तो वो आज घर तो जा ही नहीं पाता क्योंकि लोकल्स भी अब बंद हो चुके हैं थाने थ्रू दादर वाली जो लोकल है वो सब बंद हो चुके हैं रोड पर तो इतना जाम लगा हुआ है कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है पूरा पानी भरा रहता है रोड पर और मैन होल वगैरह खुल जाते हैं तो वो और ज़्यादा अनसेफ है और अभी 12:30 बजे तक मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं छोटे छोटे जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आने वाले हैं मुझे फ्रेंडशिप डे विश करने मेरे पास मैसेज आया उन लोगों का लास्ट ईयर तो ऐसा हुआ था कि मैं सो के उठी भी नहीं थी तब भी ऐसे ही संडे को कुछ सैटरडे को हमने रात में कुछ लेट नाइट पार्टी वार्टी की थी तो मैं सो के उठी भी नहीं थी और ये सब आ गई थी तो मतलब मैं सोते सोके उठी हूँ और इन लोगों ने सबने धल्ला मचा करके ये हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड ऑल दैट ये सब मेरे एनी वेज स्टूडेंट्स हैं डांस क्लास के और ये लोग कभी भी मुझे टीचर्स डे पे विश नहीं करते मैं तो बोलती तुम लोग मुझे टीचर्स डे पे क्यों नहीं विश करते तो बोलते आ हमारी टीचर भी हो आ हमारी दीदी हो मतलब फ्रेंड जोन हमारा बहुत ज़्यादा है मैं बहुत चिल्ड कूल टीचर हूँ सब बच्चों की ओके सो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो सारे अभी आ गए हैं थी वो चली गई इन सब लोगों ने मना कर दिया था कि किसी को भजिए नहीं खाने दीस किड्स आर आज कह रहा कि जो किड्स हैं दे आर ऑफ बर्गर एंड पिज़्ज़ास वाले लोग हैं उनको ये सब देसी चीज़ें पसंद वसंद नहीं आती है और वो सब ऑलरेडी काफ़ी फुल आए थे तो उन्होंने मना कर दिया कुछ भी खाने के लिए तो अभी मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ और हम लोग जा रहे हैं हमारा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करने तो अभी मैं बिल्कुल हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही हूँ मैं भी इतने दिन से बोल रही थी कि मेरे स्किन में बहुत ऑयल आ रहा है तो क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे फाउंडेशन है ना तो मैं ऐसे एक दिन सोच रही थी एक्सपेरिमेंट कर रहा तो मैंने ना बहुत टाइम से मैं यही लगा रही थी मिलानी 2-in-1 फाउंडेशन कंसीलर इसको मैं कितना भी सेट कर लूँ कितने भी अच्छे कॉम्पैक्ट मैट
किसी के भी साथ सेट करती थी ना, बट स्टिल मेरी फेस पे ऑयलीनेस, ये जो भी आप देख रहे हो ना, ये रहता था। मैं इसको और इसको मिक्स करके जिस दिन मैंने लगाया था इसको, तब भी मेरे फेस पे कोई ऑयल नहीं आया। मैंने जब लगाया इसको तब भी मेरे फेस पे कोई ऑयल नहीं लगाया। तो मैं इनको बहुत टाइम से लगाना भूल चुकी थी ऑलरेडी, बट अभी मैं फिर से आई एम बैक ऑन दिस थिंग्स, बिकॉज इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी फेस पे ऑयल नहीं लगता है। आता है ऑब्वियसली, ऑयली स्किन है, कोई चीज़ आपके फेस का ऑयल नहीं रोक सकती है, बट उस लेवल का भर भर के नहीं आता एकदम। Shade, this is called as Plum Feather. So I'm all ready, और ये है मेरा dress. तो अभी हम लोग निकल गए हैं और मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो रहे हैं ऊपर से। तो मैंने पहना है ये रेड एंड ब्लू कलर का टी शर्ट ड्रेस, जो कि मैंने वेबसाइट से परचेस किया था, और विक्की ने पहनी है ब्लू कलर की टी शर्ट। सो यस, और एक्चुअली हमारे इधर पे अभी पानी नहीं भरा है और बारिश भी कम बंद है, एक घंटे से पानी नहीं आया है, तो इसलिए हम निकल रहे हैं। और हम निकल भी ऐसे रास्ते पे नहीं रहे जहाँ हम फंस जाएंगे, हमारे घर के बहुत पास है, 2.5 किलोमीटर हमारे घर से वो मॉल है, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और मैं आपको लेकर चलती हूँ अपने साथ। तो बारिश में मॉल बहुत ही ज़्यादा खाली था गाइस। जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, टोडलर्स हैं, वो जनरली प्लास्टिक के इस तरह के ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस स्टेनलेस स्टील। ये मैंने वन स्टॉप पे देखा था, वन स्टॉप पे बहुत ही अच्छा स्टील का ऑप्शन अवेलेबल है, तो आप इस तरह का, ये 199 रुपीज़ का आता है, सो दिस इज़ रियली गुड। आप इसको कैरी कर सकते हैं ट्रैवलिंग के टाइम पे इफ़ यू हैव टोडलर्स, एंड मॉल देख सकते हो, मैंने इतना खाली तो कभी भी मॉल नहीं देखा है। Look at this. Shit. अभी देखा आपने उस पूरी रोड पे जो जितने भी प्लांट्स हैं ना, वो सब गिर गए हैं, टूट गए हैं आंधी तूफान की वजह से, और अब मैं घर पहुंचने वाली हूँ। हे गाइस, तो हम लोग लेकर के आए हैं कैनन स्टोर से एक तो ये, जो कि है गोरिल्ला ट्राईपॉड, और मेरे पास जो पहले गोरिल्ला ट्राईपॉड था वो बहुत ही हल्की क्वालिटी का मैंने अमेजन से परचेज़ किया था, तो दिस इज़ ब्रांडेड वन, और ये इसका एक्चुअल प्राइस है 1900, बट हमको ये आफ्टर डिस्काउंट मिल गया है 1000 रुपीज़ का। दूसरा हम लोग लेकर के आए हैं ये मोबाइल्स, तो मैं जब लाइव आती हूँ तब भी मैं ट्राईपॉड यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं इतने दिन से लाइव ना तो इंस्टाग्राम पे जा रही हूँ ना कहीं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मोबाइल काफ़ी हैवी है, तो दैट्स वाई ये अब अच्छी क्वालिटी का आ गया है, तो उसको ये इसमें स्क्रू है और ये ऐसे ऊपर होता जाता है, एंड मतलब इट्स गुड। तो ये 300 का आया है, और वो वाला जो होते हैं वो 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये के आ जाते हैं, तो ये क्वालिटी अच्छी है, तो हम ये दोनों चीज़ें लेकर के आए हैं। यही हमारी फ्रेंडशिप डे की शॉपिंग है।
दैट्स इट. वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मैं ऑलरेडी मीशो के ऊपर काफी सारी बार वीडियोस बना चुकी हूँ और मैं भी एक और चीज आपको बताऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि हम घर से काम कैसे कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं. तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस के ऊपर हाउसवाइफ्स के लिए क्या है वो मैं 30 ऑप्शंस मैंने एक वीडियो में शेयर किया है वो बता चुकी हूँ. देन मीशो से रिलेटेड मैं वीडियो बता चुकी हूँ. अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा वीडियो तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मीशो क्या है. जिनको नहीं पता है मीशो क्या है मैं उनको ये बता देती हूँ कि मीशो एक इंडियाज लार्जेस्ट रीसेलिंग ऐप है. ये एक ऐप है जिसमें आप रीसेलिंग का बिजनेस कर सकते हैं घर बैठ करके ही. तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है. यहाँ पर मैं क्लिपिंग्स लगा दूंगी, इसकी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ नीचे का जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, अपने उस ऐप को डाउनलोड करना है और आपका जो रीसेलिंग का बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. ना ही आपको कोई शॉप की जरूरत है, ना ही आपको कोई कलेक्शन की जरूरत है, आपका कुछ नहीं जाना है. आपको सिर्फ अपने टाइम का एफर्ट लगाना है और अपने फ्रेंड्स लोगों से कांटेक्ट करके उसमें को रीसेल करना है, दैट्स इट. और उस प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट आपने रीसेल किया उसका जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो आप को मिल जाएगा. तो इस तरह से मीशो पे रीसेलिंग का बिजनेस होता है. यहाँ पर काफी सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं. डिटेल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा तो आप उसको चेक कर सकते हैं फिर एनी केस यू आर इंटरेस्टेड. Hey guys, how are you? तो आज है मंडे और मंडे को भी मैं सुबह से व्लॉग नहीं कर रही थी बिकॉज आज क्या हुआ मैं आपको एक छोटा सा हिट बताती हूँ. मेरे आज रोटी वाली आंटी नहीं आने वाली थी तो मुझे रोटी बनाना भी आता है और मुझे पराठा बनाना भी आता है, बस ये दो चीज़ें आती हैं मुझे बनाना. तो आज हमारे यहाँ ऐसा होता है, आज नागपंचमी है और साथ ही साथ सावन सोमवार है तो काफ़ी शुभ वो होता है. तो मैं सुबह उठ करके पहले तो मैं नहाई और नहाने के बाद मैंने सोचा मैं पूरी बना लूँगी. मेरी मम्मी ने बोला था अजवाइन और आटा मिला करके पूरी बना लेना. तो मैंने ना उसमें जो फूड प्रोसेसर होता है उसमें आटा गूंदा और शायद ज़्यादा पानी हो गया तो वो जो आटा है वो बहुत नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया. अब मैं ट्राई कर रही हूँ पूरी बनाने का. एक बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, चार बनाई, ऐसे करते करते पापड़ जैसी पूरी बन रही थी वो. तो मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया. फिर विक्की बोलते काम करते अपन मंगवा लेते हैं बाहर से. फिर हमारे यहाँ जो झाड़ू पोछा करती है आंटी वो कुकिंग भी करती हैं दूसरे लोगों के यहाँ जा करके. मेरे यहाँ दो अलग अलग हैं, एक ही काम सबसे मैं मतलब सारा काम मैं एक से इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि जब एक छुट्टी पर जाती है ना तो दूसरी कम से कम आए, सारा काम ही नहीं तो रुक जाता है. तो फिर मैंने उन आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे पे कर दूँगी, आपको पूरी बनाना आती है प्लीज़ बना दो. तो उन्होंने पूरी ट्राई करी बनाने का तो उन्होंने बोला ये आटा ही वो है. फिर उन्होंने आटे को मिक्स किया और पूरी बनाई और फिर मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई. तो ये सब में मेरा सुबह का टाइम निकल गया. फिर दूसरा दिन में मैं शूट करने लग गई थी वीडियो, इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट कंटिन्यू किया. तो अभी हो रही है शाम तो मैंने सोचा कल का जो व्लॉग है वो मैंने कंप्लीट भी नहीं किया है तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि मैं अभी लेकर के बैठती हूँ कैमरा. हे गाइस, तो अभी दो दिन पहले मेरे पास ये प्रोडक्ट आया है, इसका नाम है स्किन क्योर स्किन. एक्चुअली ये उन्होंने मुझे रिव्यू करने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए दिया और ताकि मैं यूज़ करूँ और जैसा भी एक्स वाई जेड आगे हम कुछ काम करें या नहीं करें. तो इसमें होता क्या है, उन्होंने मुझे सिर्फ ये यूज़ करने के लिए दिया था और बोला था अगर आपको पसंद आए तो आप इंस्टा पर डाल देना, यूट्यूब का तो उन्होंने बोला ही नहीं था. तो यू नो इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. नोट करना पड़ता है क्योर स्किन वालों का और आपको अपनी पिक क्लिक करनी पड़ती है, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस देते जाते हैं. तो पिक आपको कैसा करना पड़ता है कि बहुत रोशनी में और बिना कुछ मेकअप के आपको क्लिक करनी पड़ती है. तो एक आप सामने से पिक क्लिक करते हो, एक साइड से पिक क्लिक करते हो और एक इधर से. तो आपके फेस के जितने भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं वो कैमरा में कैच हो जाती है, आपको थोड़ी क्लियर पिक्चर्स दे देनी पड़ती है. तो मेरे जो भी प्रॉब्लमेटिक एरिया था ना वो सब कैच हो गया और वो सिलेक्ट करके बोलते हैं कि आपको क्या एक्चुअली वो सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डार्क सर्कल्स आपका आ जाएगा, देन आपके पोर्स आ जाएंगे, देन मार्क्स आ जाएगा, पिगमेंटेशन आ जाएगा. तो मेरे को डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम था और पिंपल का, तो मैंने वो सिलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ये लोग एक इस तरह का बॉक्स देते हैं जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं. क्योंकि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो ऑब्वियसली आपका एक बार का डर्मेटोलॉजिस्ट का जो कंसल्टेशन होता है मुंबई में तो भाई साहब इतना कॉस्टली है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन इटसेल्फ, कोई सा भी डॉक्टर कंसल्टेशन बहुत बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. तो इन लोगों ने जो जो डर्मा सजेस्ट करती है ना वो सब चीज़ें मेरे पास आई हैं क्योंकि एक ऑलरेडी मेरे पास है जो मेरी डर्मा ने मुझे सजेस्ट किया था वो भी इसमें आया है. तो आई रियली लाइक इट, मैंने इन सबको क्रॉस चेक किया अपनी डर्मा से कि ये प्रोडक्ट सही है कि नहीं और उन्होंने बोला कि एकदम परफेक्ट है, यू कैन यूज़ इट.
करके ही करो. बट उस ऐप में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो आपका पूरा चेहरे के जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पेमेंट नहीं देना पड़ता है आपको, वो दिखा देता है. एंड नेक्स्ट है ये अडेप्लिन और क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल. ये तो आई थिंक जिन लोगों को एक्ने होते होंगे उनको डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं, तो एक ये जेल मेरे पास आया है. सो आई रियली लाइक, अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छी चीज़ है ये. अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम्स है लाइक डार्क सर्कल्स का या किसी का भी पिगमेंटेशन का, यू कैन यूज इट, ट्राई इट. आप देख सकते हो जो आप बाहर मेडिकल स्टोर से लेते हो वो आपको यहाँ एक बॉक्स में बंद होकर के आ जाएगा. और जो लोग मुझसे पर्सनली फेस टू फेस बात करना चाहते हैं वो लोग बोलो ऐप के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं. मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ, बोलो एक इस तरह का ऐप है जिसमें आप मेरे साथ वीडियो कॉल का सेशन बुक कर सकते हैं. आप फेस टू फेस किसी भी टॉपिक पे मेरे से बात कर सकते हैं, 5 मिनट्स 10 मिनट्स जितनी देर आपको बात करना है. मैं वहाँ पर अवेलेबल रहती हूँ, वहाँ पर टाइमिंग्स होता है, पर्टिकुलर टाइमिंग्स में अवेलेबल रहती हूँ. तो आपको मेरे साथ जो भी स्लॉट फ्री होगा उसमें आपको सेशन मिल जाएगा एंड यू कैन टॉक टू मी फेस टू फेस देयर एज वेल. तो जो ब्लॉग है वो मैं यही खत्म करती हूँ. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.